ऑल न्यू मारुति सुजुकी एस क्रॉस के यूरोपियन वर्जन से पर्दा उठ गया है। अब ये एसयूवी कार पहले से भी ज़्यादा प्रीमियम, फीचर लोडेड और स्टाइलिश हो गई है। ये भारत में बिकने वाले मॉडल का एडवांस वर्जन लग रही है, जो अब हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस को कड़ी टक्कर दे सकती है। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी के एस क्रॉस के यूरोपियन वर्जन के बारे में। दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं हूँ आपका दोस्त मितेश और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नई एस क्रॉस को स्टाइलिश बनाने के लिए इसमें बॉक्सी व्हील आर्क, ऊंचा बोनेट और बड़ी ग्रिल दी गई है। इसमें डे टाइम रनिंग एलईडी लाइटों के साथ थ्री पार्ट हेडलाइटें दी गई है। ग्रिल पर चंकी सिल्वर बार दी गई है, जो दोनों ओर लगी हेडलाइटों को आपस में कनेक्ट कर रही है। बम्पर के नीचे की तरफ इसमें क्लैडिंग दी गई है, जो इसके फ्रंट लुक को रगड़ लुक दे रही है। साइड में इसके स्क्वायर व्हील आर्क के साथ क्लैडिंग दी गई है, जो इसके चारों ओर फैली हुई है। पीछे से यह एसयूवी कार ज़्यादा रग लुक लिए हुए हैं। पीछे की तरफ से इसमें एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो ब्लैक बार से आपस में कनेक्टेड है। इसका रियर बम्पर भी काफ़ी स्टाइलिश है, जो इसमें क्लैडिंग के साथ ज़्यादा स्पोर्टी फील देता है। नई एस क्रॉस के इंटीरियर को ऑल ब्लैक लेआउट में रखा गया है, और यहाँ कंपनी ने अपनी ओपोनेंट कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए काफ़ी सारे अपडेट दिए हैं। इसके डैशबोर्ड के टॉप पर नया 9 इंच का फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसके सेंट्रल कंसोल का लुक ओपोनेंट कारों की तुलना में थोड़ा आउटडेटेड लगता है। इसके स्टीयरिंग व्हील और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अलग नहीं लग रहे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एनालॉग डायल्स और मिडिल में मल्टी इंफोटेनमेंट सिस्टम डिस्प्ले दी गई है। यूरोप में शोकेस की गई एस क्रॉस में कुछ बेसिक ADAS फीचर भी दिए गए हैं, जिनमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेक, स्टॉप और गो के साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लैंड डिपार्चर प्रिवेंशन और 360 डिग्री व्यू कैमरा सिस्टम जैसे फीचर्स भी शामिल है। फोटोज के अनुसार इसमें पैनारोमिक सनरूफ, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें और ड्यूअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसका बूट स्पेस 430 लीटर का है। यूरोप के लोग नई सुजुकी एस क्रॉस को माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल पावर ट्रेन के साथ खरीद सकेंगे। इसमें 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 48 वॉट SHVS सिस्टम दिया गया है। ये इंजन 129 PS की पावर जनरेट करता है और 235 Nm का टॉर्क। इंजन के साथ इसमें 6 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स मिलेगा। इसमें सुजुकी का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जिसे कंपनी ने ऑल ग्रिप सिलेक्ट 4X4 नाम दिया है, जिसके मोड को गियर सिलेक्टर के पीछे दिए गए डायल से ऑपरेट किया जा सकता है। कंपनी ने कहा है कि वह यूरोप में 2022 में नई एस क्रॉस में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन भी देगी। मेरा मानना है कि कंपनी भारत में नई एस क्रॉस को 2022 में लॉन्च कर सकती है, और यह काफ़ी हद तक यूरोपियन मॉडल जैसी ही हो सकती है। हालांकि यहां आने वाली नई एस क्रॉस में यूरोपियन मॉडल वाले इंजन, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और ADAS सिस्टम देने की संभावनाएं नहीं है। भारत में इसमें मौजूदा मॉडल वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जिसके साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी गई है। ये इंजन 105 PS की पावर जनरेट करता है और 138 Nm का टॉर्क। इसके अलावा यहाँ आने वाले मॉडल में बड़े अपडेट के तौर पर 9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में लॉन्च होने वाला एस क्रॉस का नया मॉडल लुक में इस तरह का हो सकता है, लेकिन पावर और फीचर्स के मामले में ये उससे पीछे ही रहेगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या मारुति सुजुकी को एस क्रॉस के इस वर्जन को भारत में इसी फीचर्स और सेफ्टी के साथ पेश करना चाहिए? अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।